धातु साहब है क्या। तो बिल्कुल इसी को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि सही मायने में हमारी प्रकृति। हाँ रिकॉर्डिंग आज भेजती हूँ मैं, रहेगा मेरे से वो, मैं आज भेजती हूँ रिकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर की। तो देखिए जैसे कि बिल्कुल जैसे कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अगर हमें करना हो तो इसमें गुण एक अलग अलग लेवल पर, जैसे कि वाता प्रकृति की व्यक्ति है, चंचल है, अस्थिर होती है, तो कोई भी सिचुएशन में लाइक जैसे कि कोई भी प्रोफेशन वो सेलेक्ट कर ले बट थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती जितना मिलना चाहिए, बट वही अगर कफ प्रकृति की व्यक्ति करने लग जाती है तो निश्चित रूप से एक स्थिरता आ जाती। तो जो क्वालिटीज है कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन से ये जुड़ी है, लाइक वहां पर भी डिवोशन है या फिर कंपटीशन है, एम्बिशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कफ प्रकृति की व्यक्ति अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती है तो इसीलिए फिर उनका, और फिर स्थिरता भी है तो इसीलिए फिर वो अच्छे से स्टेबिलिटी उनमें होती है तो कर पाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी प्रकार से। एक मिनट है मैं ऐप खोल रही हूँ, बता देती हूँ आपको। आई होप इंस्टॉल्ड हेलो सोनू जी आइए सेशन में। हेलो हाँ नमस्ते, सेशन चल रहा है, सेशन में आते हैं क्या फिर एक 10 मिनट का हम लोग प्रकृति के सेशन में आते हैं 7:15 बजे। हाँ लाइए लाइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अर्जेंसी है तो चलेगा। अच्छा 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 क्योंकि मेरा अभी सत्र चल रहा था ना तो बताइए फिर मैं। हाँ वही तो कैसे करेंगे बताइए। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ तो ये दिख रहा है आपको सभी को कुसुम, ये शेयर किया है मैंने, इज इट विजिबल? जी मैम दिख रहा है। हाँ तो ये कैलकुलेटर है देखिए, इसमें ना भी शायद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो। यस मैम यस। हाँ तो अभी इसमें ना क्वेश्चनरी है, सिंपली एक एक क्वेश्चन को आपको ये करते जाना है, जैसे इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा मोबाइल पे ज्यादा क्लियर दिखेगा, आई डोंट नो ये इसमें कैसे, लैपटॉप में मैंने कभी किया नहीं है। तो इसमें क्वेश्चनरी दी है लाइक इसमें आपको नीचे दिखता होगा शायद, दिख रहा है तो आई होप इट्स विजिबल। देखिए इसमें क्वेश्चंस का ये दिखता है तो यहाँ पर टोटल एक एवरेजली 60 क्वेश्चंस है। ये ऐप खोलेंगे आप, डाउनलोड करती है बात करते करते कर सकते हैं कुसुम और नेहा आप दोनों भी। तो इसमें इंग्लिश और मराठी में क्वेश्चनरी दी है तो इंग्लिश को आप सेलेक्ट कीजिए लैंग्वेज को, और जो जो क्वेश्चन आते हैं इसको एक एक आंसर देते जाइए, पूरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे तो आपको लास्ट में जो भी आपका प्रकृति है वो आ जाएगा, उसके अनुसार उपदेश आए। तो इस प्रकार से इस प्रकृति कैलकुलेटर को मैंने बनाया है, और भी दूसरे मेरे एप्स है जो थोड़ा सा दिक्कत है कि उस समय मैंने इसको मराठी में बनाया था तो त्रिदोष प्रकृति का है, फिर धातुसार का मेरा ई बुक भी है, फिर क्वेश्चनरीज है कुछ फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए वगैरह। तो इस प्रकार से ये प्रकृति कैलकुलेटर आप जरूर डाउनलोड करिएगा और इसमें देखिएगा कि आपकी प्रकृति करेक्ट आती है क्या। एकदम तुरंत आयुर्वेदिक प्रकृति कैलकुलेटर डालिए गूगल प्ले स्टोर पर, बस मिल जाएगा और नीचे मेरा नाम भी आता है ना उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस विषय के साथ।
मैम जो सीसीआरएस ने जो वो प्रिपेयर किया है प्रकृति के लिए, हाँ उनका कैसा है मैम? उनका तो अभी नेहा को पता है, नेहा ने बताया था। हाँ नेहा जी है ना हमारी, वो सीसीआरएस में ही मतलब वो यूज करते ना वही। हाँ तो वो एक्चुअली उनका भी वही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में उन्होंने ही बताई, क्वेश्चनरी ही है। नेहा बताइए, क्वेश्चनरी ही है ना उसमें? यस मैम, उसमें भी क्वेश्चनरीज ही है। उसमें कैसे है कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे है कि लाइक सिर्फ एक कोई पैरामीटर जो सिर्फ पित्त के लिए होता है, या एक आधा पैरामीटर जो सिर्फ वात के लिए होता है, ऐसे मैक्सिमम पैरामीटर्स है। मतलब जो मल्टीपल जैसे बोलते हो ना वैसे नहीं है। मतलब अगर ये है आइदर दिस है तो ये है पित्त है या फिर वात है, ऐसे मतलब जो वे क्लासीफाई करते हैं ना हम, हाँ, वैसे नहीं है। मैक्सिमम पैरामीटर्स ऐसे है कि जो सिर्फ पित्त के लिए है, या जो सिर्फ कफ के लिए, या जो सिर्फ वात के लिए है, मतलब प्योर जैसे बोलते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं। मैम ऐसा ही है एक्चुअली ना, मैं देख रही हूँ ना सभी, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे भी वही बताया था कि जिन्होंने भी काम किया है ना तो ऐसे ही काम किया है और इसके आगे कुछ बड़ा ही नहीं है बात। मतलब लाइक वही क्वेश्चन है। और मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स ने मैंने बात कैसे होता है मैम, फॉर एग्जाम्पल अभी पित्तम है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल पित्त के क्वेश्चंस कैसे है मैक्सिमम, अगर पित्त प्रकृति डिफाइन करनी है ना, तो अगर आपको पूछा जाए कि आप सिचुएशंस फेस करते हैं ब्रेवली फॉर एग्जाम्पल, तो ये पित्त का लक्षण है कि यस दे फेस ब्रेवली। और अगर आप किसी भी जनरल इंसान को पूछे तो वो तो ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैं पैनिक होके भाग जाता हूँ, नोबडी विल से दैट। एवरीबॉडी विल से आई विल फेस इट समहाउ अदर। डेफिनेटली डेफिनेटली उस हिसाब से देखा जाए तो पित्त के कैरेक्टर सब में आ गए, वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। Right. मतलब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स काफी कम हो जा रहे फिर पित्त के। मैक्सिमम कैरेक्टर्स पित्त के जो है वो वात के आ रहे हैं फिजिकल। एक्चुअली मैं बताऊं, प्रकृति का परीक्षण ना, जैसे हम ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स या कुछ स्वभाव। इसीलिए मैं अभी आपके से हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ, फैमिली आपने जो प्रफर्मा दिया था ना उसके हिसाब से आई एम जजिंग द प्रकृति एंड अकॉर्डिंगली आई एम फिलिंग द पैरामीटर्स देयर। मतलब ताकि मुझे जो डिजायर्ड प्रकृति यहाँ पर मिली है पोर्टल में भी वही आए। अच्छा, ताकि मतलब गलत भी ना हो इंटरप्रिटेशन एंड प्रकृति भी करेक्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है वहां पे सिर्फ उनके पोर्टल पे करने जाओ ना तो मैक्सिमम वात पित्त प्रधान मिलते हैं, किसी भी लाइक इंस्ट्रूमेंट में आ ही रहे, मैंने देखा ऑब्जर्वेशन मेरा यही था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया ये सब काम। इतना इसमें एनर्जी और ये होता है ना लाइक, और सही मायने में तो मुझे और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा इसके ऊपर काम करने के लिए, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि इसमें उस व्यक्ति के फैमिली का, परिवार का सहभाग जरूरी है। अगर आपको करेक्ट स्वभाव का परीक्षण, मैं थोड़ी बोलती हूँ कि मैं जेलस नेचर की हूँ, मैं नहीं बोलूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई कैन, बट मैं जेलस होती हूँ। हर मनुष्य में जेलसी है, उत्तम मध्यम कम मात्रा में, तो बिल्कुल ये कैसे जज करेंगे। तो मुझे हमेशा लगता है कि हम बस इतने सीमित नहीं, मुझे फैमिली से पूछना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग डिसीज के लिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो कभी कभी हम उसके पति से बात करते हैं, या उसको कुछ दौरे वगैरह पड़ते हैं, हिस्टेरिक है तो हम घर वालों से बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानी आया है, क्या झगड़ा फसाद कुछ है क्या। वैसे ही हमें हमारे मतलब उनके निकट व्यक्ति से बात करनी होगी। पति है तो पत्नी से बात कीजिएगा, पत्नी है तो पति से। तो ये जैसे नेहा को पता होगा महाराष्ट्र में जो राशि चक्र बोल गए ना शरद उपाधि का, जी वो एक छोटा सा प्ले एक्ट है जो राशि के ऊपर बोलते हैं, तो मुझे वो डेवलप करना है कि वैसे ही जैसे वो अलग अलग राशियों के स्वभाव बताते हैं। बिल्कुल। मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है कि आप उस प्रकार से उसको डेवलप कीजिएगा, बट वो तो मैं मतलब बोल पाऊंगी, वो एक कॉमेडियन टाइप का थोड़ा सा उसको हम बना सकते हैं प्रकृति को भी लेकर। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले सत्र में बोला कि मुझे ये थ्योरेटिकल बातों में मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, और इसीलिए बाद में मेरे सीनियर्स ने भी वही बोला कि क्या है प्रकृति में, क्या करेंगे प्रकृति का, आगे कुछ होता नहीं है ऐसे हमको लगता है।
बिल्कुल, तो थोड़ा सा कभी कभी ये हो जाता है कि लाइक सही है क्या क्या ये बातें कि हम लोग इतना इसको लेकर बैठे हैं, टाइम दे रहे हैं इसके लिए इतना, क्योंकि इसके ये जो मैंने पीपीटी वगैरह कलेक्शन किया ना, इसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, लाइक बहुत सोचना पड़ा, और ये अभी मतलब मैं ना काफी एक्सपीरियंस हो गया है तो ये मुझे दृष्टिकोण मिला कि मैं इस प्रकार से इसको देखूं। तो बिल्कुल मुझे लगता है मैं ऐड करना होगा इसमें कुछ फॉर्मेट में, तो ही हम जाकर जैसे देखिए अभी वर्क लाइफ के बारे में, कंडीशंस के बारे में, तो ये वर्क लाइफ में भी उस दिन हमने स्टार्ट किया था। तो आप ये ऐप का यूज कर डालिए, आपकी प्रकृति करेक्ट आती है क्या, क्वेश्चनरी, बस क्वेश्चनरी फील करनी है, इंटरेस्टिंग है वो। आप पेशेंट्स में भी करवा सकते हैं, पेशेंट्स में भी आप ये उनको बोल सकते हैं डाउनलोड करके वो यूज करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, जैसे कुछ रिसर्चेस हुए, सीनियर हमारे क्रियाशारी के लोगों ने भी कुछ रिसर्चेस किए हैं धातुसार प्रकृति परीक्षण को लेकर, व्यावसायिक यश अपयश। तो जैसे वात प्रकृति को घूमना फिरना पसंद है तो उसको वो करना चाहिए क्या, एक बात है, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? तो बिल्कुल हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे, अगर वात वात कैन डू वात वर्क वेरी नाइसली, वात प्रकृति की व्यक्ति घूमना फिरना, टूरिज्म, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, पिग्मी एजेंट, ये वो सब कुछ अच्छा करेगा, बट वो करेगा तो उसका वात बढ़ेगा, तो इसकी इसकी वात की हमें केयर करनी होगी, है ना? तो तब वो वात के टाइप का चॉइस कर सकता है। सो सी, जैसे वात प्रकृति के बारे में सोचेंगे तो वाता इज नेचुरली अट्रैक्ट टूवर्ड एक्साइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल, इंटेंस, वरी वेरियड, क्रिएटिव, ट्रेवलिंग, सेंसिटिविटी, मूड, आइडियाज, इन सभी से उनको अच्छा लगता है। लाइक कोई आर्ट डिजाइनिंग हो, इंटीरियर हो, अच्छा लगता है उनको, बट ऐसे जर्नी करना, घूमना फिरना, इससे वात बढ़ सकता है। सो हमें इसको अवॉइड करना होगा जो वात बढ़ाने वाला हो, या करना हो तो फिर हमें रेस्टिंग पीरियड्स देने पड़ेंगे। कोल्ड, ड्राफ्टी, नॉइजी, डस्टी एनवायरमेंट, फोन लाइन्स, लाइटिंग, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो हैव अ निगेटिव इफेक्ट ऑन वाता पीपल। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे सामने लैपटॉप है, मोबाइल होता है बाजू में, चार्जिंग लगा हुआ होता है, पेन ड्राइव है, फिर क्या और कुछ सारे ये होते हैं वायर्स, ये वो, आजकल तो बेडरूम है, बेडरूम के बाजू में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है, वहां पे एसी का बटन है, ये बटन है, चार्जिंग है, सामने टीवी होता है, तो कितने सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स है, हम दिन रात घिरे होते हैं, सोचिए। एंड दीज ऑल आर वाटर इंक्रीजिंग फैक्टर। कोई भी फोन की लाइन्स है, लाइटिंग है, कंप्यूटर्स है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ निगेटिव इफेक्ट ऑन वाता पीपल। सो मुझे लगता है आज जो वात प्रकृति या वात दोष के विकार इतने बड़े हैं सोसाइटी में, वो फिर छोटा सा क्यों ना हो, पादेदारी से लेकर नर्वसनेस, ये भी वात का ही विकार है, जैसे 80 प्रकार के नानात्मज व्याधि आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो इसमें से छोटे मोटे जो भी सारे हैं ये बिल्कुल जुड़े हैं, जो एक निगेटिव इफेक्ट डालता है ये सारा जो एनवायरमेंट होता है। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल टू डू वर्क वाताजनित इफ यू केयर फॉर योर वात दोषा। अगर आप अपने वात दोष का केयर करते हो तो आपको वातजनित काम करने में कोई परेशानी नहीं। यू कैन डू इट बाय क्रिएटिंग द फ्लेक्सिबल रूटीन, बट रूटीन फ्लेक्सिबल बनाए, जैसे हमने व्यायाम में भी देखा कि वात प्रकृति के व्यक्ति को ऐसे बांध कर मत रखिए, 6 से 8 व्यायाम, 8 बजे नाश्ता, 10 बजे काम, ऐसे उनको मत बताइए, वो एकदम से ये नहीं कर पाएंगे। सो मेक फ्लेक्सिबल रूटीन्स, लाइक ठीक है अपने हम जैसे बच्चों को उनके मूड के हिसाब से पढ़ाते हैं कराते हैं, उसी प्रकार से पीरियड्स ऑफ रेस्ट, ऑयल, एरोमाथेरेपी, ड्रेस अप फॉर वार्म कंफर्ट, ईट रेगुलरली, साउंड स्लीप, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एट हाई वाटर टाइम, लाइक 2 to 6 PM, 2 से 6 बजे के समय में जो वाटर का काल है वहां पर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग, डिस्कशन, ये वो, ऑफिस का काम ना रखे, क्योंकि ये वाटर का पीरियड है तो वायु बढ़ सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल आप समय मतलब के हिसाब से भी, दोषों की स्थिति दिन रात में वहां पर भी हमें सोचना होगा। अवॉइड अननेसेसरी ट्रेवल, वाता प्रकृति को हमेशा ध्यान रखिए, उनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, बट ये भी एक प्रमुख हेतु है, तो हिस्ट्री टेकिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री टेकिंग को हम बहुत इजी वे में लेते हैं, बट आई थिंक हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर आयुर्वेदा फैटर्निटी, तो उसको हमें इंपॉर्टेंस देना है, व्यवसाय के बारे में भी, और जैसे छोटी छोटी बातें पूछते ही नहीं है, तो ये भी पूछना है ट्रेवलिंग कितना होता है अगर कोई व्यक्ति आपको वातजनित लक्षण लेकर आता है तो।
एक निश्चित दिनचर्या बनाई, उसको गंभीरता से पालन करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल भी होना जरूरी है। रोजाना कुछ देर धूप में टहले, आराम करें, किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना कुछ देर ध्यान करें, ये बहुत जरूरी है। हमें अनुभव है कि किसी दिन घर में कोई नहीं होता है तो हम बोलते नहीं आज एकदम शांत रिलैक्स लगा, है ना। तो मतलब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ही। हर आदमी का अपना अपना एक प्रायोरिटी होता है, भले पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बट आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपना ये चाहिए था। जैसे अभी सभी कुसुम को पता है, एक एक मतलब एक आधा दिन कभी पति हस्बैंड अगर देर से आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है, बट कभी कभी अच्छा लगता है, चलो रिलैक्स टाइम मिल गया, हम अपना कुछ काम कर रहे, अपना कुछ सोच रहे, आराम से बैठे हैं। तो ये शांति भी हमें चाहिए, जिससे हमारे वात का शमन भी होगा। वात दोष का शमन हमें खान पान से भी करना है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। इसके लिए जैसे गर्म पानी का प्रयोग करें, वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाए। वात दोष की व्यक्ति को वन डे हफ्ते में अपने डेली केयर के लिए, रूटीन केयर के लिए निकालना ही चाहिए, जिससे उनकी मन की शांति हो। जैसे संडे को हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, तो संडे को अथवा प्रकृति की व्यक्ति को अलग अलग स्पा या फिर जैसे कुछ शिरोधारा, बालों में तेल लगाना हो और फिर गर्म पानी का सेक लेना, कटी स्नान करना, ये वो करें ना तो अच्छा रहेगा। फिर गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, मादाम, कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो नर्वसनेस है, हमेशा मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स वात में बहुत ज्यादा होते हैं, सो प्ले एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। प्ले कैची कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आप कुछ गेम खेलिए, क्रिएटिव कुछ, मेक योर ओन टिकटॉक वीडियो, कुछ भी जो भी फैमिली परफॉर्मेंसेस, म्यूजिकल। फिर रोज रात में एक ओजस मिल्क, हल्दी मिल्क वाला दूध पीजिए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ आर्ट आर्ट वगैरह करना, आर्ट वगैरह लाइक ज्वेलरी मेकिंग है, बीडिंग है, घर का काम है, अपने शौक होते हैं ना छोटे मोटे, किसी किसी को सफाई करने में भी अच्छा लगता है। टेक वर्चुअल टूर्स ऑफ म्यूजियम्स, कुछ देखिए, लाइक आपको म्यूजिक पसंद है तो सुनिए, गाना बजाइए, कुछ लिखिए। सो फेथ, ट्रस्ट और होप, इन तीनों चीजों को मेंटेन कीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाता इज लाइक अ फ्लाइट, पित्ता इज फाइट, एंड कफा इज फ्रीज। तो वात तरंगता है, हवा में उड़ता है, पित्त फाइट करता है, झगड़े करता है, एंड कफा इज लाइक कोल्ड ब्लडेड। सो व्हेन रिलेटिंग टू लव लव्ड वंस, जब हम बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा मतलब और मेरा ये, तो इसको मुझे ऐसे फूलों की तरह रखना, बेटियों को फूलों की तरह रखा जाता है वगैरह वगैरह, तो सेम वे वी कैन से दैट ट्रीट योर वात दोषा, इफ यू आर वात पर्सन, ट्रीट वात पर्सन और फैमिली मेंबर शुड ट्रीट वात पर्सन लाइक अ फ्लावर। जैसे फूल का हम लोग अच्छे से रख देते हैं, फूल नाजुक होते हैं, उसी प्रकार से घर में वात प्रकृति की व्यक्ति है तो उसकी केयर कीजिए। ट्रीट पित्ता लाइक फ्रेंड, लाइक अ स्पाउस, जैसे दोस्त के साथ या अपने स्पाउस के साथ हम लोग एक रिश्ता बनाते हैं ना, उसी प्रकार का व्यवहार पित्त प्रकृति की व्यक्ति के साथ करना होगा। एंड ट्रीट कफा लाइक देयर चीयर लीडर्स और द कोच, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिम्युलेशन चाहिए। और फ्रेंड्स या स्पाउस के साथ हम लोग लाइक एक प्रकार से रिलेशन मेंटेन करके या एक अदब से रहते हैं, या फिर जैसे कुछ विश्वास की बात होती है, या पैर तो मतलब प्यार तो रहता ही है, विश्वास भी रहता ही है इस सभी रिलेशंस में, बट दोस्त के साथ जैसे व्यवहार करते हैं उस स्पाउस के साथ, वैसा फ्रेंडली व्यवहार पित्त के साथ करना होगा। और कफ के साथ गाइडलाइन के रूप में, चेयर लीडर के रूप में आप उसको ट्रीट करेंगे। दूसरी बात है, तीनों प्रकृतियों के लिए कहना चाहूंगी मैं, ट्राई नॉट टू टेक वर्क होम। बहुत सारे लोग घर में काम का लेकर आते हैं और घर में फसाद हो जाता है, ऑफिस का टेंशन घर में आ जाता है, बच्चों पर गुस्सा निकल जाता है, घर का टेंशन बाहर जाता है, ऑफिस में मन नहीं लगता काम पे, बॉस चिढ़ जाता है, टाइम पे सब। देखिए, आपका जिस दिन घर में कुछ बिगड़ा हो उस दिन आपका दिन ऑफिस में अच्छा नहीं चलता, और अगर ऑफिस में कुछ बात जमी नहीं हो, किसी से कुछ हो गया, अनबन हो गई, तो फिर घर में आने के बाद भी आपका मन नहीं लगता है। सो ये तीनों प्रकृति के लिए होगा कि आप घर काम की जगह काम करें और घर के लिए घर समय लगे। टेक सन बात, अवॉइड टेंडेंसी टू कीप चेंजिंग जॉब, ये भी है। वात प्रकृति के साथ ऐसे होता है कि हमेशा स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमेशा जॉब्स प्रोफेशंस चेंज करते हैं। आज क्या जॉब कर रहे, फिर कल बोलेंगे नहीं मैंने कुछ ओपीडी डाली, फिर ओपीडी थोड़े दो साल में नहीं ओपीडी बंद कर दी, अब मैं फिर से एक अस्पताल में मैंने पार्टनरशिप में अस्पताल ये किया है, ऐसे कुछ अलग अलग। और फिर बाकी लोगों को भी देखिए, जो लोग हमेशा प्रोफेशन बदलते रहते हैं,
कभी ये किया काम, कभी वो किया काम, तो ये निश्चित रूप से बात के होते हैं। तो इसीलिए भी यह अभी हम लोग ये मुद्दे पर भी आ सकते हैं कि व्यावसायिक यश आप यश जो बोल रहे थे, वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए आपको। मैनेजर पे या कुछ कंपनी के बड़े पद पर जाना है तो कंपनी के छोटे पद से शुरू करना होगा, वहां पे कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जाकर आपका प्रमोशन हो पाएगा। और जैसे अगर आपको डीन बनना है, कुसुम जी आपको डीन बनना है कभी, कहां गई? हेलो जी मैम, जी मैम। हाँ तो आपको डीन या प्रिंसिपल बनना, हाँ प्रिंसिपल या डीन बनना होगा तो आपको वहां पर जुटे रहना होगा तो ही बन पाएंगे आप। जी जी राइट मैम, राइट। ऐसे ही हमारा मतलब कोई भी ये होगा ना, तो हम लोग हमेशा बदला बदली करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वात प्रकृति में ये बदलाव का ज्यादा ये होता है तो वो बदल लेना। पित्त प्रकृति में प्रैक्टिकल, प्रिफरिंग टू वर्क विथ प्रोडक्टिव वर्क नंबर्स, पैशनेट अबाउट वर्क, टेक रिस्क, इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव। पित्त प्रकृति ऑफिस में भी थोड़ा सा एरोगेंट, लाइक टिट फॉर टैट या कुछ ऐसे नेचर का होगा, और हमेशा काम को लेकर पैशनेट होगा, कॉम्पिटिशन होता होगा, एम्बिशन होगा, हर काम में वो दूसरों को कम दिखाने का प्रयास करेगा, लाइक ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं ही अच्छा हूँ, मैं मुझसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। ये सारी बातें पित्त प्रकृति में होती है। एंड दे वॉन्ट टू बिकम लीडर्स इन देयर फील्ड्स, पित्त शुड फॉलो द रूल्स, अवॉइड टू बिकम टू इंटेंस और सिंगल माइंडेड इन योर वर्क लाइफ। वो बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड होते हैं और खुद का ही सोचते हैं, और मैं और मेरा काम और पैशन ये उनको होता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क टीम, आप बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क टीम बिल्ड कीजिए, लाइक क्योंकि टीम वर्क एक ये होता है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी किसी से बनती नहीं है, सीनियर जूनियर रीति चलती रहती है जिंदगी भर, तो इसीलिए वो टीम अगर डेवलप करेंगे तो बहुत आगे जा पाएंगे। ये पॉसिबल वर्क ओन बिजनेस, क्योंकि पित्त का जमता नहीं किसी के साथ, पर वो खुद का व्यवसाय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वर्क ऑन एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आपके गुस्से के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपका गुस्सा निकल जाता है, आप सब कुछ अच्छा कर लेते हैं बट आपके गुस्से से बिगड़ जाती है बात, फ्रस्ट्रेशन आता है कभी कभी। अवॉइड वर्किंग विद हॉट केमिकल्स, लाइट सनशाइन फॉर लॉ। अवॉइड लंच टाइम वर्क मीटिंग्स, पित्त काल में पित्त प्रकृति की व्यक्ति कुछ ना करे, लाइक कुछ ना करे इन द सेंस बहुत ज्यादा मीटिंग्स वगैरह ना करे, क्योंकि अगर लंच टाइम में इनको लंच नहीं मिल पाता है तो इसका परिणाम उनके काम पर होता है, तो ये अवॉइड कीजिए। डेवलप ए काम लाइफ, प्राणायाम, हेल्थ क्लब, जिम टू रिड्यूस द स्ट्रेस, कोल्ड शावर्स, ब्रिजी ड्राई क्लाइमेट्स, क्वालिटी रेस्टोरेंट्स, एलिगेंट जेंटल फिजिकल चैलेंजेस, ये सभी पित्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा कूल रहे, सेल्फ सूथिंग प्रैक्टिसेस फॉर पित्ता, काम करे घर का, थोड़ा सा माइंड बहलाए, कुछ निग्लेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको करिए। रिसर्च योर फेवरेट टॉपिक, लर्न अ न्यू स्किल, चेस, चेकर्स, स्क्रबल, कुछ भी गेम खेले या फिर कुछ अच्छा। रोज पित्त प्रकृति के लिए ये सलाह होगी कि घर में आने के बाद वो नहाए, नहाने से उनका सारा गुस्सा टेंशन रिलीज हो जाएगा। चेस, फिर मॉडरेट योगा करे, बॉक्स ब्रीथ, नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम, फिर पाइलोमेट्रिक्स मेडिटेशन, कुछ अपना जो वेबसाइट स्टार्ट करे, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, ड्राफ्ट प्लान्स फॉर योर ड्रीम हाउस जॉब, राइट, पुट योर बिलियंस टू योर पेपर, आपकी जो क्षमता है उसको पेपर पर उतारिए। प्ले लेगोज ऑन द फ्लोर विथ योर किड्स, चेक आउट ऑल द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड डू इट बिकॉज you must like it. Organize an effort to help those in need. Cook, like laugh, watch all the comedies, shows, performances that make you chortle. Give until it hurts and then give more. तो बिल्कुल आप अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा आपका टेंशन जो है वो रिलीज हो सके, इस प्रकार से उसको रखिए। इसके बाद कफ की बात आती है, यहाँ पर कुछ एक रिसर्च जो हुआ था इसको मैं पढ़ती हूँ, बताती हूँ। जो हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं ना कि वर्क लाइफ कैसी हो, कौन से किसका प्रकार का काम करना चाहिए, तो रिसर्च हुई थी एक इंजीनियर्स के बीच में, वहां पे कॉम्बिनेशन में कफ पित्त एलिमेंट था, तो इंजीनियर्स गिव स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स देन द कॉम्बिनेशन ऑफ वाता एंड कफ एंड द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट। तो वात कफ प्रकृति से ज्यादा, कफ पित्त प्रकृति वालों इंजीनियर्स में पॉजिटिव काम देखा गया।
दूसरा एक रिसर्च हुआ था एचआर का, तो उसमें वात कफ कॉम्बिनेशन बेटर था कफ पित्त से और वात पित्त से, सो वात कफ उसमें अच्छा था। तो देखिए हर एक प्रोफेशन में जहां पर भी कफ दोष होता है ना साथ में, तो वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। एक और दूसरा रिसर्च हुआ था अकाउंट्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वहां पर भी जो है वात एलिमेंट, जो वात और कफा अच्छा काम किया पित्त या बाकी के दोनों प्रकृतियों से तुलना से। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रिसर्चेस कुछ मैंने लिए थे। द्विदोष प्रकृति को लेकर हमेशा पूछा जाता है, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं। हाउसिंग अगर आपको करनी हो तो वात में सेंट्रल हीटिंग, वार्म कलर्स, विंडोज, डबल गेजिंग टू प्रिवेंट एयर, पित्त विंडोज, फैंस बहुत ज्यादा हो, कफ में ड्राई वार्म हो, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। वर्क लाइफ को लेकर कफ में भी थोड़ा सा लाइक लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, तो कफ को घूमने फिरने वाले जॉब्स को चुनना होगा। इसके साथ साथ उनको प्राणायाम, योगा, ये तो हो गया, पजल्स, कुछ अपने ब्रेन को, देखिए कफ प्रकृति की व्यक्ति ऐसी होती है 10 to 5 वाला जॉब, 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे घर आए, चाय पी ली, कुछ खा लिया, थोड़ा आराम कर लिया, टीवी देखी, बच्चों के साथ खेले, बस उनका हो गया। तो कफ इज लाइक दैट, लाइक रूटीन्स, वो बाकी रूटीन से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते। कफ प्रकृति की ये थोड़ी सी समस्या होती है, उनको रूटीन वाला काम चाहिए, 10 to 5 वाला काम चाहिए, बस उसी में वो खुश हो जाते हैं। कुछ अलग से करना इनको अच्छा नहीं लगता है, दे आर वेरी मच बाउंडेड टू देयर रूटीन। तो इसीलिए फिर कुछ काम में अगर बदलाव भी लाने तो बोल देते तू करके दे प्लान, में कर देता, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम विद कफ दोषा। कफ दोषा को हमेशा मतलब अपने से कुछ नहीं करना है, जो है उसमें भले ही खुश रहते, 10 to 5 के जॉब में खुश रहते हैं और उनको कुछ करने की ज्यादा इच्छा भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उनका एक नेचर बताया है। तो यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते हैं, आप बताइए थोड़ा सा इसमें। आई थिंक कुसुम का कनेक्शन जा रहा है, नेहा जी आपका भी, तो इसमें देखिए आप बताइए मुझे कि बताइए इसमें कौन सा प्रोफेशन कौन से दोष को दर्शाता है। यस सृष्टि, नेहा, कुसुम बताइए कौन सी व्यक्ति कौन सा काम कर सकेगी। जी चुनिए एक, एक मैम जो ये है कैमरामैन जो है। हाँ हेलो हेलो। यस यस बताइए। मैम कैमरा मैन के लिए तो मतलब कफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत कंसंट्रेशन का काम है और पेशेंस चाहिए उसके लिए। जी और ऑफिस का काम, मैनेजर का काम कौन अच्छा करेगा, कंपनी टूर मैनेजर या कंपनी लीडर। मैम पित्त, पित्त प्रकृति, पित्त तो होना चाहिए डेफिनेटली। क्यों मैम मतलब मेधा पित्त का ये बताया है ना मैम, तो तभी तो मतलब वो मेधा अच्छी होगी तभी तो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अच्छा और कुछ इसमें एडिशन, ये कलरिंग वगैरह कौन कर पाएगा? भी, कलरिंग वाला, कलरिंग भी मैम कफ वाला ही कर पाएगा। ये मैम जितने भी पेशेंट्स के काम है मुझे ऐसा लगता है कि वो कफ वहां पे होना जरूरी है। नेहा बताइए आप, और लीडर कौन बनेगा? लीडर कौन से प्रकृति का व्यक्ति बनेगा? लीडर पित्त, ओके। और किसी को कुछ इसमें? मैम आई थिंक कफ पित्त दोनों ही चाहिए लीडरशिप में। जी 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 ठीक है ठीक है। और जो पेंटिंग और ये वाला काम है मैम इसमें वात भी चाहिए, क्योंकि जो थिंकिंग ये है एक्चुअली क्योंकि थिंकिंग पावर कैपेसिटी इमेजिनेशन ये वो वात में बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ तो ये वात भी चाहिए यहाँ पे। वात कफ अच्छा करेगा ये काम। जी जी मैम। फोटोग्राफी वगैरह जो है, देखिए धूप है, फोटोग्राफी करना है तो धूप है, तो ये धूप का काम तो पित्त वाला नहीं कर पाएगा, तो फोटोग्राफी वाला एक्चुअली वात का ही काम होगा। उसको घूमना भी पसंद है एंड कलर्स कॉम्बिनेशंस और कुछ थ्रिलिंग ऐसे उनको पसंद भी आएगा थोड़ा सा वात के व्यक्ति को। लीडरशिप के लिए द बेस्ट दोष
इट्स कफ कॉम्बिनेशन वट एवर द लाइक कफ पित्त या कफ वातु. कफ वातु ज्यादा चलेगा नहीं क्योंकि वात होगा तो गड़बड़ होगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे. पित्त है साथ में तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा और जो लीडरशिप के लिए एम्बिशन है. वात होगा तो वो चंचलता होगी, पित्त स्थिर रह पाता है. तो इसीलिए कफ पित्त प्रकृति की व्यक्ति हो तो लीडरशिप या फिर कोई भी ऐसे बड़े जो ये होते हैं ना उसमें ये अच्छे से काम कर पाएंगे. रिसेप्शनिस्ट के लिए तो पित्त इज बेस्ट, बट थोड़ा सा लाइक अगर वो कंट्रोल करे इसमें साथ में सेकेंडरी कफ हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि पित्त को गुस्सा आता है और रिसेप्शनिस्ट को हमेशा हंसमुख रहना पड़ता है. अगर वो चिढ़ती है बार बार, जैसे बैंक का जॉब है तो बैंक में भी लोग बहुत परेशान करते हैं तो वहां पे तो ठंडा ही दिमाग चाहिए. तो मतलब ऐसे भी फर्क पड़ेगा आपके इसमें. तो ऐसे कुछ हमने यहाँ पर लिया है, आगे बढ़ते हैं. सो दी सी वाता, तो वाता को कौन से प्रोफेशन करना है. यू आर अ ड्रीमर, आर्टिस्टिक, वर्किंग बाय योर सेल्फ. योर विजन चेंजेस सो मच, इट्स जस्ट इजियर टू डू इट अलोन. यू सी द होल पिक्चर, यू कैन इमेजिन, कम्युनिकेट ग्रैंड विजन दैट मेक्स पीपल एक्साइटेड. एक्साइटमेंट, थोड़ा सा लाइक थ्रिल, ये वातों को अच्छा लगेगा. सो एंड क्रिएटिव भी है वो. सो राइटर पर थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा. डायरेक्टर, कोई भी कोरियोग्राफर या फिर लाइक आजकल के इसमें इवेंट मैनेजर भी अच्छा रहेगा वात के लिए. डांसर, फ्रीलांसर, डिजाइनर, ये अच्छा रहेगा. बट एट अ टाइम कैन गिव देम प्लेंटी ऑफ चेंजेस. सो रिन्यूअल ऑफ वराइटी, नोवेल्टी, स्टिम्युलेशन, फ्रीडम टू मूव एंड थिंक रिलेटिवली फ्रीली. तो जो एक फ्रीडम है थिंकिंग का, ये वो, ये वात वाला अच्छा करेगा. So at work, make a concentrated effort to practice moderation. Excessive responsibilities, अगर आपने बहुत ज्यादा लाइक मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा तो बहुत ज्यादा responsibilities हो जाती है तो फिर आपको पसंद ये भी नहीं होगा. अच्छा, due to some urgent work. Okay, okay, do it. So इस प्रकार से कुछ boredom होता है, interruptions, multitasking will feed you irritating. वात प्रकृति को ऐसा है ना, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, मैं लिखूंगा भी, मैं पढ़ूंगा भी, एक समय पे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ, मैं टीवी भी देख रहा हूँ, ये सब काम एक साथ कर जाएगी तो गड़बड़ होती है. एंड वाता इज लाइक सच नेचर. सो फिर अटेंशन नहीं हो पाता है किसी एक काम की तरफ. एंड पे क्लोज अटेंशन टू योर वर्किंग एनवायरमेंट. लैक ऑफ फ्रेश एयर, फ्लोरोसेंट और फ्लिकरिंग लाइट्स एंड टू मच मूवमेंट, ड्राइनेस एंड कोल्ड विल फर्दर एग्रीवेट योर वाता इम्बैलेंस. तो आजकल जो हम लोग घर को बनाते हैं तो घर को सजाने के लिए आर्किटेक्चर, आजकल तो बहुत सारा ये होता है ना कि ये कलर चाहिए मुझे, यहाँ पे सोफा चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, वो चाहिए. तो ये सब कुछ अगर आप अपने दोषों के हिसाब से करेंगे तो आई थिंक जैसे होम, हर व्यक्ति के लिए अपना घर तो स्वर्ग से सुंदर होता है, बट स्टिल अगर आपने इसको अपने दोष प्रकृति के हिसाब से बना दिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा. एंड इफ यू कांट अवॉइड सम वाता एग्रीवेशन ऑन द जॉब, be sure that the rest of your life compensates for it by sticking a strict routine. Eat, sleep, work and exercise at the same time every day. अगर आपको ये होता है वाट बढ़ जाता है तो थोड़ा रूटीन बना लीजिए. वार्म, मॉइस्ट, स्लाइटली ऑयली, हेवी फूड्स विल नर्चर यू. तो थोड़ा गर्म ऑयली वाला खाना, क्योंकि खाना हर बार मैं खाने के बारे में बात करती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. डेली ऑयल मसाज विल ग्राउंड यू. And slow methodical movements such as walking or swimming will soothe your changeable nature. And so your ideal character, career should be like art as designers, dancers, actors, teachers, writers, photographers. So Vata can do it very nicely. If now moving with Pitta. So Pitta ko thoda bolna bhi pasand hai. To manager ya phir jaise kuch task wala job ho. आपको विजन वाला काम चाहिए. आप होस्ट, टीवी होस्ट, एंकर, जहाँ पे हम देखते हैं ना कैसे एंकर एक नोकझोंक चलती है, एक दूसरे के पॉइंट्स खोलते हैं, उसी प्रकार का इनका स्वभाव विग्रह वक्ता होते हैं. तो जहाँ पर बोलने की बात है, जैसे कोई पार्टी का प्रवक्ता होता है, स्पीकर होता है ना, तो वो ये काम अच्छे से करेगा बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर और टू द पॉइंट बोलना, स्मृति बुद्धि अच्छी है. सो although you are fueled by challenges, competition, decision making and overcoming obstacles, and excess of these conditions will make you impatient, irritable and domineering. So keep your working environment cool and resist your tendency to plunge into dog-eat-dog competition. Instead, practice compassion, learn to listen to your colleagues and set aside time for seemingly non-essential leisure pursuits. To combat any on-the-job
इतना एग्रीगेशन एम्फसाइज कूलनेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल अवॉइड साल्टी ऑयली स्पाइसी फूड एंड चूज स्वीट बिटर एंड एस्ट्रोजन स्विमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टेक टाइम ऑफ टू स्पेंड विथ यूर लव्ड वंस लाफ हैव अ फन सो यूर एंगर यूर तेज महाभूत विल रिलीज आउट एंड सो यूर आइडियल करियर शुड बी लाइक लॉजिकल थिंकर गोल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट यू मे फाइंड सक्सेस इन पॉलिटिक्स सर्जरी लॉ फाइनेंस वकील बहुत अच्छे से लॉ में भी बहुत मतलब बुद्धि लगती है फाइनेंस में भी आप अच्छा कर पाओगे पॉलिटिक्स में भी आपको जमेगा थोड़ा अगर आपने उसको गुस्से को काबू कर लिया तो सो एक्सेसिव बोर्डम रिपीटेशन एंड लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट एट वर्क विल मेक यू स्टीफ एंड लिथर्जिक इन योर एवरीडे लाइफ वेरी यूर रूटीन टू कॉम्बैट यूर टेंडेंसी टू गेट स्टक इन अ रूट Create challenges for yourself. For example, sign up for a class in something that sparks your interest. Eat light, dry, spicy food and resist your tendency to overeat. So, Kapha people make great administrators. They also find satisfaction in their caring profession, horticulture, manual labor jobs. So, Kapha mein sharirik shamta adhik hoti hai, to manual laboring ka jo, jaise job hai, jahan par sharirik shamta kashta karne ki zarurat hoti hai, aise jobs ko kare. इसके साथ साथ मैंने बताया कफों को बहुत स्टिक रहने की आदत होती है रूटीन के तो उनको रूटीन चेंज करना चाहिए कुछ अच्छा सोचिए करियर को लेकर कुछ बड़े प्लान्स बनाइए मूव अप कीजिए क्यों बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ कुछ लोग एक ही जगह पर स्टिक होते हैं आगे बढ़ते ही नहीं क्योंकि वो ऐसा सोचते नहीं है ऐसा प्लान कुछ करते नहीं है तो इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने रूटीन्स को जरा इसीलिए कफों में स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है कफों को उठाइए उसको जगाइए उसको प्लान करने को लगाइए तो उसको बीच बीच में अगर आप ऐसे करते रहोगे तो स्टिमुलेट होगा क्योंकि कफों में बहुत ज्यादा स्थिरता है एक कंसिस्टेंसी है जो किसी भी जॉब या प्रोफेशन में लगती है बस उस कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा अपने स्टिमुलेट कर दिया तो कफा कैन डू अ वेरी आइडियल मतलब रोल इन एवरी सिचुएशन सो इस प्रकार से कफ पित्त के लिए हमने कुछ सिंगल पोजीशन आप बन जाते हो बस वही पे तो वहां पे मत रहिए कुछ अलग अलग करने का प्रयास कीजिए अपने रूटीन्स को चेंज कीजिए यूनिवर्सिटी सेटिंग्स गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस आर पोटेंशियली गुड फिट्स बट एनी रोल वेयर यू आर प्रोवाइडिंग बैकबोन स्टेबिलिटी और सपोर्ट विल हॉनर यूर नेचुरल दोषिक गिफ्ट्स एंड अलो यू टू बी फील फुलफिल्ड बाय बीइंग एग्जैक्टली हु यू आर ओके सो पित्त कैन शाइन इन सेल्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पित्त अच्छा काम करेगा कोचिंग ओइंग देयर ओन बिजनेस लॉ मेडिसिन वाता लाइक जैसे हमने बताया सो थोड़ी इफिशियंसी कम है ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होते हैं वाता में तो इसीलिए आपको थोड़ा पोजीशन को लेकर भी काम करना होगा तो यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस जो हम काम कर सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर लिया है सो वाता कैन डू सुपरवाइजर मार्केटिंग सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव पिग्मी एजेंट टूर मैनेजर टूर गाइड मिमिक्री आर्टिस्ट ट्रांसफरेबल जॉब्स ड्राइवर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर स्टेज आर्टिस्ट म्यूजिशियन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क सर्कस कुरियर सर्विसेस एटसेट्रा पित्त ऑफिस रिलेटेड जॉब सीए बैंक मैनेजर ट्रेकर प्रोफेसर टीचर राइटर लॉयर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट मेकअप मैन यूपीएससी एमपीएससी वैसे कुछ जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो कफ कैन डू फिजिकल ट्रेनर जिम इंस्ट्रक्टर सिंगर फिलोसोफर डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन होलसेल बिजनेस पॉलिटिशियन एथलीट्स सो सी दीज आर द गुड कंडीशन और दीज आर द जॉब्स यू कैन प्रीफर बट यू मस्ट केयर फॉर योर दोषा यू मस्ट केयर फॉर योर प्रकृति इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको जो पसंद है वो काम ना करे बट जैसे वाता को पित्त के हिसाब से काम करने में कोई परेशानी नहीं है बट इफ दे कैन चूज अ लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू दैट दैट्स बेटर फॉर देयर दोषा आई होप यू आर गेटिंग The subject, Sushti, Kusum. Yes, ma'am. Yes. Okay, तो आगे बढ़े फिर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I hope this is something new for you also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Yeah, तो आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है
कलर को लेकर, जैसे कलर अलग अलग होते हैं मनुष्य जीवन में, तो रंगों का एक अपना बड़ा ही महत्व है। जैसे रंगों की बात करते हैं हम लोग, तो रंगों की अपनी दुनिया है। हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चों के दूध पीने से लेकर फिर वो टॉयलेट का हार्पिक क्यों ना हो, वहां पर भी रंग अपने फ्लोर का जो ये आता है लिक्विड आता है जिससे हम लोग फ्लोर क्लीन करते हैं, उसके में भी फ्लेवर्स आते हैं लाइक लेवेंडर ये वो। तो क्यों ये सब कुछ क्यों? तो क्रोमोथेरेपी इट्स लाइक वन ब्रांच वेयर वी कैन टेक इट एज एक अलग प्रकार की थेरेपी है क्रोमोथेरेपी, जिसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि रंगों की अपनी एक दुनिया है जहां पर रंगों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं आगे रंगों की, रंगों का प्रयोग आयुर्वेद में काफी सालों से होता आ रहा है। जैसे रंगों का प्रयोग तो साइकोलॉजी में मेडिकल फैकल्टी में भी किया जाता है, रंग का उपयोग चिकित्सा के तौर पर भी किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ प्रसिद्ध ये व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार के कलर्स में बॉटल्स भरकर वो कलर्स के साथ साथ उसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेचुरोपति में भी इस कंसेप्ट के साथ चला जाता है, अलग अलग कलर्स की बॉटल होती है उसमें दवा डालकर दी जाती है। जैसे पंचभौतिक में भी है या नेचुरोपति में भी ये कंसेप्ट है। तो इसी के साथ साथ कुछ डिसीजेस है जहां पर कलर की प्रैक्टिस की जाती है, विशिष्ट प्रकार के कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अलग विषय है जहां मुझे नहीं लगता कहीं पर इसके बारे में सोचा गया। जैसे मैंने क्लॉथ्स को लेकर बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, नहीं मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मतलब आपके पास ब्लू कलर के ज्यादा कपड़े होंगे, सभी एक्सेसरीज होती है, चप्पल है, पर्स है, ये है वो है, फिर जैसे पुरुषों के कपड़े है। तो इसी के साथ साथ हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छे रेड कलर वाले टोमेटो हमारे मन को लुभा देते हैं। हमारा कोई शॉपिंग का प्लान नहीं होता है, फिर भी अरे वो पिंक कलर का ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है तो चलो उसको खरीद लेते, बस कलर को देख लिया तो हमने खरीद लिया। घर बनाते हैं तो घर में भी अलग अलग दीवारें सजती है अलग अलग रंगों की, लेवेंडर कलर को रोमांटिक माना जाता है तो बेडरूम में लेवेंडर कलर को चुना जाता है। हॉल में कभी हम लोग रेड कलर नहीं लगाते, आज ब्लैक कलर नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते ब्लैक कलर रेड कलर बताइए, क्या इसके पीछे कोई कारण है? ब्लैक कलर क्यों नहीं दिया जाता हमारे रंगों के दीवारों को? मैम आई थिंक मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं और पॉजिटिव वाइब्स नहीं आते। हाँ, या, और रेड तो मैम बहुत ही ऐसे तीखा कलर है, मतलब चुभता है ऐसे, बहुत ही उभर के आता है ब्राइट कलर। तो रेड कलर को भी तो अपना एक गरिमा है रेड कलर की, तो क्योंकि रेड कलर भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में कपड़े, बच्चों के जो टूल्स होते हैं, टॉयज होते हैं, वो काफी रेड कलर के पसंद किए जाते हैं। तो रेड कलर अट्रैक्टिव है, बट जैसे भड़क होता है ना रेड कलर, तो इसीलिए रेड कलर को सीमित रूप से हमें यूज में लाना होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें जैसे घर को कलर देते तो वहां पर प्रकाश योजना को देखना पड़ता है, प्रकाश अच्छा हो, रिफ्लेक्शन अच्छा हो, इसीलिए वहां पर हम लोग फेंट कलर के रंग चूज करते हैं जो आंखों को नहीं चुभते हैं और प्रकाश के लिए भी रिफ्लेक्शन उनका अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज हमने ली है ये उसी प्रकार से रंगों का प्रयोग हमारे इसमें करना चाहिए। तो देखिए आयुर्वेद में भी रंगों का बहुत ही महत्व है। हम लोग चक्रों की बात करते हैं षट चक्र में, तो हर एक चक्र का हर एक रंग बताया है। हम त्योहार की बात करते हैं, हम शादी ब्याह के मौकों की बात करते हैं, तो शादी में हल्दी लगती है। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी प्रांत में हल्दी नहीं लगाई जाती। हल्दी वर्ण्य है, हल्दी क्लेदहर है, हल्दी त्वचा की रौनक बढ़ाता है, इसीलिए वधू और वर को हल्दी लगाई जाती है शादी के पहले दिन। हल्दी एंटीमाइक्रोबियल है, हल्दी एंटीफंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो त्वचा विकार हो तो हल्दी का प्रयोग हो तो बिल्कुल वधू का रूप निखर लाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी या कई सारे हर्बल ड्रग्स का डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम चेहरे पर जैसे महाराष्ट्र में कुमकुम लगाया जाता है, कुमकुम महिलाएं अपने मांग भरती है, सिंधु लगाती है या तिलक लगाती है माथे पर, तो उसको मतलब शादीशुदा, सौभाग्यवती, शादीशुदा माना जाता है। महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र में अगर रेड कलर के अलावा ब्लैक कलर यूज किया जाता है तो ऐसे बोलते कि जिसका पति मर गया है वो ब्लैक यूज करता है। बट वही गुजरात में जाएंगे
तो गुजरात में ब्लैक कलर का ऐसा कुछ ये नहीं है, वहां पे विवाहित महिलाएं भी ब्लैक कलर की बिंदी लगा देती है। तो बिल्कुल ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो ये कलर के पीछे भी कोई राज होता है। हरा रंग ऊर्जा चैतन्य का प्रतीक है, हमारे भारत का हमारा झेंडे कोई देखिए, हरा सफेद ऑरेंज हर एक रंग का अपना महत्व है, हरा चैतन्य का प्रतीक है, ऑरेंज ये धाड़स शौर्य का प्रतीक है और सफेद रंग ये भी शांति समाधान सुख का प्रतीक है। तो बिल्कुल इसी के साथ साथ हर रंग, जैसे हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए इट इज मेनली फाउंड, स्लाइड नॉट विजिबल, ओके ओके जस्ट वेट, विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए किसमें मिलेगा, कौन से रंग में मिलता है, नाउ इट्स विजिबल, विटामिन ए कौन से रंग में मिलता है ज्यादा, विटामिन ए येलो है ना। मैम क्या पूछना चाह रहे हैं आप, विटामिन ए कौन से रंग की फल और सब्जी में मिलता है, मैम रेड में मिलता है, मैम ये कैरेट चुकंदर इसमें ज्यादा मिलता है ना, हाँ येलो, एक्चुअली येलो में ज्यादा मिलता है, पपाया मैंगो ये इसके ज्यादा मेन सोर्सेस है, कैरेटीन जो है ना, कैरेटीन तो गाजर में भी रहता है बट वैसे देखा जाए तो येलो फ्रूट्स एंड येलो वेजिटेबल्स, येलो कैप्सिकम हो तो ये मतलब ज्यादा मात्रा में वहां पर उसका विटामिन ए का रहता है। तो कलर्स को लेकर एक अलग विषय पर आप बिल्कुल इसको पढ़ेंगे, देखिए इसमें ये जो मैंने कलर्स चुने हैं ना ये बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से है, कौन से वस्त्रों को किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, जैसे हमारे भी कुछ भ्रांतियां होती है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ब्लैक कलर को लेकर बोला जाता है कि निगेटिव है, तो शुभ काम के लिए ब्लैक कलर का उपयोग नहीं किया जाता, शुभ कलर पर पूजा में बैठना है तो पूजा में सफेद या पीत वस्त्र का उपयोग किया जाता है, टीवी सीरियल्स में पिक्चर में अगर कोई मतलब निगेटिव कैरेक्टर रोल दिखाना हो तो वह उसको ब्लैक कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे कोई भूत हो राक्षस हो कोई ऐसे रोल होते हैं तो वहां पर ब्लैक कपड़ों में ही वो आती है, तो क्यों ब्लैक कपड़े, तो निगेटिव ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। सफेद रंग जहां पर दुख की बात हो सफेद रंग का अपना महत्व है, सफेद रंग हर सुख दुख के प्रसंग को सजाने का काम करता है, वो सुख का भी प्रतीक है, जैसे शादी ब्याह के प्रसंगों पर भी सफेद रंगों को बहुत ज्यादा आजकल पसंद करने लगा है, और वैसे ही दुखद प्रसंग पर शुभ शुभ्र वस्त्र के कपड़ों का मतलब लगाए जाते हैं, शुभ्र वस्त्र पहने जाते हैं तो बिल्कुल वो दुख का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से वस्त्रों के साथ साथ वस्त्रों की जो अलग अलग वराइटियां है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, पॉलिस्टर है, तो ये इसके हिसाब से भी प्रकृति को कौन से सूट करेंगे कभी सोचा है आपने, I am sure कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कौन सी दोष की प्रकृति को कौन से वस्त्रों को पहनना होगा। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए हमेशा खादी पहनते हैं, खादी कॉटन पहनते, क्यों कॉटन, क्योंकि कॉटन हीट भी मतलब रोकता भी है, हीट रिलीज भी करता है, ठंडी में भी सुटेबल होगा गर्मी में भी सुटेबल होगा। तो बिल्कुल कपड़ों को लेकर कपड़ों के धागे जो धागे से बने हैं उससे भी आपके शरीर पर दोषों पर परिणाम होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जैसे मैं कलर की बात कर रही हूँ तो देर आर 7 कलर्स, रेड वायोलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज, तो ये सभी रंगों का अपना एक महत्व है, इसीलिए बोर होता है तो टोमेटो देखते तो हमें फ्रेश लगता है, वैसे रेड कलर अट्रैक्ट करता है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं रेड कलर लगता है तो हम रुक जाते हैं स्टॉप, ग्रीन लगता है तो निकल पड़ते हैं, ग्रीन लाइट इज लाइक एनर्जी मूवमेंट एंड रेड कलर ब्लड का रंग है रक्त का रंग है, तो रेड कलर इज लाइक स्टेबिलिटी पैशन, तो रेड कलर की गाड़ी पैशनेटिंग लगती है ना, बिल्कुल। तो हर एक रंग का महत्व है, आगे हम आयुर्वेद साइंस के परिप्रेक्ष्य में और जनरल व्यवहार में भी कलरों का रंगों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सो द 7 कलर्स ऑफ द बैलेंस एंड हीलिंग इन द माइंड एंड द बॉडी एंड दिस फॉर्म ऑफ थेरेपी ऑल्सो वर्क्स इन द कंजेक्शन विद हाइड्रोथेरेपी एंड एरोमाथेरेपी टू एनहांस द हीलिंग इफेक्ट। सो कलर थेरेपी बैलेंसेज द मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल दोषास थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड्स, roots, seeds, flowers, leaves and barks of the trees of many rare herbs and plants are used to make the dyes.
While basil is used in the BP cloths, while extracts of tea leaves or kus is used in sunscreen cloths. Mimosa pudica is used for treating diabetes, and cumin seeds, champa flower, hibiscus are combined in herbal dyes. Curry leaves, apocynaceae are used for arthritis. Herbs like neem, sandalwood, turmeric, ये स्किन डिसऑर्डर्स में अलग अलग फ्रेग्रेंस में परफ्यूम्स बनाने में इस सभी का प्रयोग होता है. डिफरेंट फायरवुड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट हर्ब्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वाटर, नेचुरल और ग्राउंड वाटर, टेम्परेचर ऑफ द डाइज, ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, नंबर ऑफ टाइम्स द क्लॉथ इज सोक्ड इन द डाइज एंड द ड्यूरेशन ऑफ डाइंग डिफर अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट पर्पस. तो इस प्रकार से वाटर प्रकृति की व्यक्ति को अगर शॉपिंग करनी है तो वो क्या लेंगे. बिल्कुल. सो वाटर विल स्पेंड मनी एज फास्ट एज दे मेक इट. तो हमने देखा कि वाटर प्रकृति चंचल है, अस्थिर है, पैसे जुटा नहीं पाती है क्योंकि 1000 रुपए होते थे 1500 रुपए खर्च करके आते हैं. तो इस प्रकार से लाइक द विंडी हुश वाटर्स आर मोस्ट प्रोन टू इम्पल्स बाइट्स विच मे रिजल्ट इन द बायस रिमोर्स. So they will promptly return the item to get the cash back. And then like जैसे हम लोग शॉपिंग पे निकलते हैं, 2-3 महीने है, भाई है, परिवार है, शादी का कुछ शॉपिंग करने निकला है, दुकान से हमें चॉइस करके लाते हैं, घर आता है, डिस्कशन होता है और फिर बोलते हैं अरे ये कुछ पीला रंग अभी कैसे दिख रहा है ना, पीला मुझे लगता है पीले से वो हरा अच्छा था तो मैं उसको कल बदल के लाती हूँ. बस चेंज लगे जो खुद से आपने चॉइस करके चीज लाई है वो घर में लाते ही आपको ना पसंद आती है, आपको लगता है अरे ये सृष्टि का ड्रेस कितना अच्छा रंग दिख रहा है, ग्रीन कलर, अरे तो मैंने ग्रीन कलर मिस कर दिया, मैंने येलो लेकर आ गए तो मैं कल जाकर ग्रीन ही कलर लेकर आती. दिस टाइप ऑफ मतलब ये स्वभाव होगा वाटर प्रकृति का, दूसरे ही दिन जाकर वो चेंज कर लाएंगे. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. और वाटर की वार्डरोब में हमेशा वैरायटी होगी बिकॉज उनको वैरायटी पसंद है. वाटर्स हैव द हार्डेस्ट टाइम डिसाइडिंग व्हाट टू वियर. और इसीलिए वाटर प्रकृति की व्यक्ति कहीं बाहर जाने निकलती तैयार होती है तो सब कपड़ा निकाल कर पलंग पर फैल जाता है कि ये पहनू वो पहनू ये पहनू, एक पहन लिया उतार दिया, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सूट नहीं करेगा, पार्टी है, मैं कैसे दिखूंगी, शायद ये मुझे लूज हो रहा है, शायद ये मुझे फिट हो रहा है, शायद मेरा वेट बढ़ गया है तो मैं दूसरा कुछ पहनती हूँ. बदलते रहेंगे, 2-3 ड्रेस बदलेंगे, एक पहनकर चले जाएंगे, वहां पर भी किसी दोस्त ने कुछ कह दिया अरे तो फिर वो ब्लैक ही अच्छा था, उसको मैंने चुप निकाल दिया. सो सच टाइप ऑफ नेचर सभी को लेकर मेस बन जाता है इनका. दे कैनॉट सी इवन इन स्मॉल थिंग वी कैनॉट फॉर्म ऑन दैट थिंग. ऑर्डर करना है होटल में तो भी वो फॉर्म नहीं रहेंगे, कपड़ा कोई भी बात में उनकी स्टिफनेस नहीं आती है, स्थिरता नहीं होती है. सो बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है आज के लिए हम लोग रुकेंगे, समय हो गया है. So I hope you are getting the some different knowledge of prakriti which will help you in practice. अगर आपने इसका उपयोग किया ना कुसुम, आपके practice में 4 चांद लग जाएंगे निश्चित रूप से. ये अलग आपको ये कोई नहीं ऐसे यूज करता, आप इसको यूज करिए जरूर, इसको आप और अच्छा बेहतरीन बनाइए. कि कैसे आप पेशेंट्स को बताएंगे कि जिनके बारे में कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता, मतलब इस तरह का कलर का और ये सब बताया. हाँ, और इवन प्रोफेशन वाला भी नहीं हम करेंगे ना तो निश्चित रूप से फायदा होता है, निगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है आदमी का. बिल्कुल अब हम इसको मोल्ड कर सकते हैं जितना उपयोग. देखिए कोई भी शास्त्र झूठा नहीं होता है, गलत नहीं है, हम इसका प्रयोग करना नहीं चाहते, बस यही बात. अभी आप बता रहे थे मैम तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि कल को कोई पेशेंट आता है, क्योंकि मैम आज के समय पे जो मानसिक व्याधियां हैं वो ही जाके कहीं ना कहीं शारीरिक में जुड़ रही हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैम कोई पेशेंट आता है वो बिजनेस में फेल हो रहा है और उसकी वजह से उसको शारीरिक ये हो रहा है, तो हम वहां पर ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रोफेशन की बजाय इसको सेलेक्ट कीजिए तो आप यू विल बी मोर सक्सेसफुल. तो मेरे दिमाग में अभी ऐसा ही चल रहा था मैम. बिल्कुल. और वहां पर भी जैसे उनको अगर आपने ऐसे सुझाव दिए ना तो देखिए पेशेंट कितने खुश हो जाएंगे ऐसे सुझाव, क्योंकि पेशेंट देखिए आज ना इतना धूम है, आपको लाइक फॉरेन कंट्रीज के लोग दीवाने हैं आप खुद के शरीर के बारे में जानने के लिए, उनको वो चाहिए पैटर्न. अगर देखिए आप सोचिए अगर आपको किसी ने बताया कुसुम ये
बादाम खाइए, कुसुम ये कपड़ा पहनिए, तो आपको कितना अच्छा लगता है। हम लोग कितने भी डॉक्टर बड़े हो, बट जब हमको खुद को बुखार आता है ना, तो हम किसी के पास चले जाते हैं और वो बोल देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स रहिए, बस ये खाइए, अच्छा हो जाएगा। तो हम 50% तो हमारा बीमारी भाग जाती है। क्यों? साइकोलॉजी। हम बोलते हैं बच्चों को कि घर के दवाई से गुण नहीं आता, बाहर जाकर 500 रुपए की नोट खर्च कर दी तो गुण आता है। तो ये तो मजाक की बात होगी, बट स्टिल इट वर्क्स है ना। yes, काम करती है ये बात। तो यही साइकोलॉजी को हमें काम करना है, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर एलोपैथी डॉक्टर काम नहीं करता, वो सिर्फ शारीरिक लक्षणों को देखता है। साइकोलॉजी तो आयुर्वेद डॉक्टर ही देखते हैं। तो बिल्कुल आज के लिए रुकते हैं। वो साइकोलॉजी पे देखते भी हैं तो वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सेडेटिव दिया, ये दिया, वो दिया। हाँ, यस यस यस, वो उनका उनके